आज की इस वीडियो में मैं आपको हवन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो अंत तक पूरी सुननी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर मेरे से पूछते हो, फिर वही बात मैं कह चुका होता हूं। इसलिए निवेदन आपसे इतना करना चाहता हूं, आप वीडियो को पूरा सुनिए, आपकी प्रत्येक शंका का समाधान इस वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए ये हवन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये ध्यान रखना, जो ये मैं आपको हवन से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि केवल ये नवरात्र के हवन के लिए, नहीं, ये हवन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये प्रत्येक कर्म जो आप हवन घर में करेंगे, प्रत्येक किया जाने वाला हवन कर्म में यह बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक हवन में यह बातें आपके काम आएंगी। इसलिए बड़े ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ सुनना, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई गप्पे नहीं सुना रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं सुना रहा हूँ, मैंने यहाँ से सुनी वहाँ आपको नहीं, मैं आपको जो सुनाता हूँ हमेशा आपको कहता हूँ, मैं शास्त्रों के प्रमाण को देकर, श्लोक को देकर आपको मैं समझाता हूँ कि आपने ऐसे करना। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप बड़ी प्यार से इस वीडियो को सुनना, पूरी सुनना और ध्यान से सुनना। देखिए पहला कि हम हवन क्यों करें, कोई लोग पूछते हैं हम हवन क्यों करें, किस लिए हमको हवन करना चाहिए, तो देखना ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आपके प्रत्येक कार्य की पूर्णता, आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि जिसके द्वारा पूर्ण होती है उसे हम हवन कहते हैं। अर्थात आपने कोई माला का जप किया, सिद्धि के लिए हवन किया, आपने कोई अनुष्ठान किया, सिद्धि के लिए आपने हवन किया। आप छोटा कर्म करो, बड़ा कर्म करो, जिसमें आप हवन को जोड़ देते हो वो कर्म अपने आप में विशालतम बन जाता है। इसलिए कहते हैं यज्ञो वे विष्णु, स्वयं नारायण भगवान ही यज्ञ हैं। कोई भी फल की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति आपको हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ही होगी। इसलिए यज्ञ करना अनिवार्य हमारे सनातन धर्म में बताया है, और ये यज्ञ हमारे सनातन धर्म का आभूषण है। जैसे बिना आभूषण के स्त्री का सौंदर्य फीका, ऐसे ही बिना आभूषण के हमारे सनातन धर्म की परिकल्पना कर ही नहीं जा सकती। इसलिए हवन यज्ञ जरूरी है, यह माध्यम है आप जो दे रहे हो देवताओं को, ये माध्यम है अग्नि। अग्नि के द्वारा ही देवता आपके देवे हव्य कव्य द्रव्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप अपने घर में हवन करते हैं, साफ सीधी सी बात है। आप किसी को फोन कर रहे हो, फोन कैसे, टावर के माध्यम से, टावर माध्यम है दूसरे से आपकी बात को जोड़ने का। ऐसे ही अग्नि टावर है, माध्यम है आपकी दिव्य द्रव्य आहुतियों को, हव्य कव्य को देवताओं तक देने के लिए। इसलिए मुखम यह सर्वदेवानं हव्य भुक् कव्य भुक् तथा पितृ नाम नमस्तस्मै विष्णवे पवकात्मनि। अग्नि देवताओं का मुख है और इस मुख में आप जो देते हो देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए देवता जब प्रसन्न होते, तुष्टि पुष्टि धन सौभाग्य आपके जीवन में आता है, प्रकृतिक भू धरा आदि को सबको शोभनीय कर देता है, हवन वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए हवन कीजिए, अशुद्धताएं आपके घर से भागती है, आपके घर में नकारात्मक है ना, आप हर महीने अपने घर में यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, देखिए आपके घर का वातावरण अपने आप शोभनीय शुद्ध हो जाता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, सकारात्मक वातावरण आपके घर में होता है। इसलिए हवन कीजिए। दूसरा ध्यान देना मेरी बात पर कि जब आप अपने घर में हवन करें तो यह बात में ध्यान रखिए कि आपने हवन सामग्री का प्रयोग करना। आपको पंडित जी ने सामग्री लिखाया कि जाओ हवन सामग्री ले, आप बाजार में गए, भैया एक हवन सामग्री का पैकेट देना, उसने दिया, आपने 50 रुपए दिए घर में हवन। अरे साहब क्या कर रहे हो आप? आपको पता है कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? हमारे शास्त्र में कहीं पर भी हवन की, जो मार्केट की हवन सामग्री है, इसका प्रयोग ही नहीं है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आई लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको हवन सामग्री का निर्माण कैसे करना है। लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरी बात मानते हो, रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बात को भले कहीं पर भी दे देना, चैलेंज करता हूं जो मेरी इस बात को काट दें कि बाजार की हवन सामग्री शुद्ध होती है, मैं चैलेंज देना आपको। इसलिए आप जितना भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, अपने घर में आप हवन सामग्री का निर्माण कीजिए। और मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, देखो पहले उसको सुनो, फिर मैं आपको उसको उत्तर बताता हूं। देखो क्या लिखा है, तिलार्धम तंडुला देयस तंडुलार्धम यवास तथा यवार्धम शर्करा प्रोक्ता सर्वार्धम च कृतम स्मृतम। आनंद रामायण के अंतर्गत यह श्लोक है, इसमें यह बताया है कि आपने घर में हवन करना है, लेकिन किसका? बोले तिल का हवन। तिल बोले लक्ष्मी वर्धनम, यह तिल जो है लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है। भगवान के पसीने से तीन प्रकार के तिल उत्पन्न हुए, काले सफेद और भूरे, लेकिन आपने प्रत्येक कार्य में काले ही तिलों का प्रयोग करना। हवन के लिए भी काले तिल, लेकिन ऐसे काले तिल नहीं कोई में आजकल बाजार में भूसा भूसा सा आता है। भगवान के नाम में तो सबसे ज्यादा शुद्धता हमारी पूजा पाठ में आ गई है, सामग्री में। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप
जब तिल लेने के लिए जाएं तो तिल काले हो और दानेदार तिल हो, जिसमें तेल हो, बढ़िया तिल। ऐसे तिल लाइए, घर में धोइए। तिल तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा शर्करा, शर्करा का आधा घी। ऐसे नहीं कि घी आपने पूरा लपोड़ा लपोड़ कर दी, नहीं, ऐसा नहीं। मात्रा में घी डालना है और अच्छी तरह से आपने हवन सामग्री का निर्माण अपने घर में करना। लेकिन रिक्वेस्ट, बाजार की सामग्री मत खरीदिएगा। तीसरी बात, हवन कुंड कैसा होना चाहिए, जहां पर आप हवन करेंगे कैसा होना चाहिए। कई, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लोहे के कुंड में हवन करते हो, मैंने तो बिल्कुल, मैं तो लोहे के हवन कुंड में बिल्कुल खिलाफ हूं। नहीं करना चाहिए लोहे के हवन कुंड में, क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने आपको प्रमाण दे रखे हैं, आप वीडियो में जाकर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नहीं करना चाहिए हवन कुंड में, बाकी आपकी इच्छा, करना ना करना वो आपकी इच्छा। किसमें करें, कोशिश कीजिए, अगर तांबे का मिल जाए, नहीं मिलता पीतल का, पीतल का नहीं तो तांबे का, तांबे का नहीं तो आप कोशिश कीजिए। सबसे सरल एक काम हो सकता है, इसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते, बहानेबाजी नहीं कर सकते, वो कौन सा है, बोले आप मिट्टी का हवन कुंड बना लीजिए। मिट्टी का हवन कुंड सर्वोपरि होता है यज्ञ करने के लिए, इसलिए मिट्टी का हवन कुंड बना के रखिए। या एक काम कीजिए, अपने घर में 10 ईंटें रख लीजिए, जब भी आपके घर में हवन होता है ना, वो 10 ईंटें धो धा के आप रख दीजिए, उसमें हवन कीजिए, फिर उनको अपनी छत पर रख दीजिए एक जगह। इस तरह से आप हवन कीजिए, लेकिन लोहे के हवन कुंड में ना ही करें तो अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा। चौथी बात समझने वाली, जो आप हवन करते हैं, हवन में संविधाएं चाहिए, लकड़ियां चाहिए। अब कई लोग क्या होते हैं, लकड़ियां जाते हैं पेड़ों से तोड़ते हैं, पेड़ों से तोड़ने के बाद पंडित जी के सामने रख दे, पंडित जी भी स्वाहा स्वाहा करते हुए शुरू। नहीं, आप बहुत गलत करते हो, बहुत गलत करते हो। आप हवन कर रहे हो, और हवन किसके लिए, शुद्धि के लिए, हवन किसके लिए, पवित्रता के लिए, हवन किसके लिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। लेकिन आप तो बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं, आपने लकड़ियां तोड़ी, लकड़ियां तोड़ने के बाद अग्नि में रख दी। आप जानते हो आम की लकड़ियां जो आप तोड़ते हो उसमें चींटियां होती हैं, कीड़ियां होती हैं, और आप अग्नि में डालते स्वाहा कर दे तो लोग बोलते कोई बात नहीं, इनकी भी मुक्ति होगी। आप कौन होते किसी को मुक्ति देने वाले साहब, ध्यान रखना मेरी बात का। कभी भी आप जब भी संविधाएं लकड़ियों का प्रयोग करें तो कभी भी लकड़ियां ऐसे ना हो जिसमें कीड़ा लगाओ। और मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, कई लोग कहेंगे प्रमाण अपने आप से, नहीं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं आपको उसका उत्तर बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, ना अंगुष्ठा अधिका ग्राह्य समित स्थूल तया क्वचित न निर्मुक्त त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता। तो श्लोक का अर्थ क्या है, बोले कि आप जब हवन संविधा लेकर आए ना, लकड़ियां लेकर आए, तो बोले वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा मोटी ना हो। जैसे आपका अंगूठा ना इतना मोटा, इतनी मोटी हो, थोड़ी सी इससे ज्यादा कोई बच्चा शख्स, लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लंबी ना हो। कितनी लंबी होनी चाहिए, बोले 10 उंगल की ही लकड़ी होनी चाहिए हवन के लिए, विशिष्ट है ये बताया गया है। और साथ ही साथ देखो एक बात ध्यान रखना, न सकीटा न पाटिता, मतलब न कीड़ा लगा होना चाहिए, ना उसमें सड़ी होनी चाहिए, मतलब लकड़ी होनी चाहिए बहुत अच्छी। और कैसी होनी चाहिए, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के जो ऊपर की जो छाल होती है वो अलग नहीं होनी चाहिए। आजकल मार्केट में ऐसी लकड़ियां आ रही है जिसमें छाल नहीं होती, बिल्कुल कुछ छिलावा होता है, लेकिन शायद शास्त्र का प्रमाण कहता है कि वो छिली भी नहीं होनी चाहिए, छिलके के साथ हो वही संविधा शुद्ध मानी जाती है। अब आपको समझ में आ गया कि आपने लकड़ियां कैसी लेनी है संविधा। अब पांचवी बात, जब आप यज्ञ करें तो पत्नी यज्ञ में कहां बैठे, कई लोग पूछते हैं मेरे से, ध्यान देना, जब आप घर में यज्ञ करें तो पत्नी किस दिशा में बैठे पति के। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक श्लोक में आपको दे रहा हूं कि होमे यज्ञ विवाहे च चतुर्थीय स भोजने कन्या दाने मके वर्ते अंचल ग्रंथि मादाय भवतां दक्षिणांग स्थितः सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा आशीर्वादे पाद प्रक्षालने पत्नी चैव वामतः। पत्नी प्रत्येक धर्म कर्म में पति के दाहिनी ओर बैठे, मतलब राइट हैंड की ओर ही बैठना है आपने। हवन यज्ञ कोई भी पूजा पाठ करो, कन्या दान करो, पत्नी को सदैव पति के राइट मतलब दाहिने हाथ में बैठना है। लेकिन जिस समय आपको पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हों, या कलश का जल आपके पर अभिषेक कर रहे हों, या पंडित जी के पैर धो रहे हों, उस समय आपकी पत्नी आपके बाई ओर होनी चाहिए, इसको ध्यान रखें। बाकी प्रत्येक कर्म में पत्नी को अपनी दाहिनी ओर ही बैठाना है। और धर्म पत्नी अपने पति के दाएं अंग में बैठकर उनके हाथ से हाथ लगाकर आहुति डालें। कई स्त्री हवन डालती वही जाने, नहीं तो स्त्री को पति के हाथ से ही आहुति डालनी चाहिए, पति के हाथ से हाथ लगाना चाहिए। लेकिन बिना पत्नी के कभी भी यज्ञ कर्म पूर्ण नहीं होता, इसलिए धर्म पत्नी को साथ में बैठाओ। जैसे राम जी के पास सीता नहीं थी तो सोने की सीता दी थी, पता है ना आपको, इसलिए पत्नी का यज्ञ में बैठना अनिवार्य होता है। अगर यज्ञ करें तो सिर पर कपड़ा जरूर हो, पत्नी के भी सिर पर पल्लू कपड़ा जरूर होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, ये भी आपको बात ध्यान में आ गई। अब छठवीं बात, जो हवन से जुड़ी हुई है और जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर, बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं। आप देखना कहां गलती कर रहे हैं, अपनी गलती को पकड़ना, यहां मैं बताऊं अपनी गलती को पकड़ना, हाँ मेरे से यहां गलती हो रही थी, यह सुधार करना, ये मैं आपको बहुत तत्परता के साथ बता रहा हूं। देखो बड़ी प्यार से ये वीडियो बना रहा हूं, प्यार से सुनना। देखो
जब आप हवन करें, पहली गलती, अधिकांश तो 90% लोग ये गलती करते हैं, क्या जब भी वो हवन करेंगे हवन कुंड में पहले लकड़ियों को सजा देंगे, समिता समाज सजा देंगे, उसके बाद आग लगाते हैं। अरे 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 अरे, कुबुद्धि कुबुद्धि कुबुद्धि। आपको पता है कि जहाँ पर लकड़ियाँ पहले से लगी होती है और नीचे से आग देते कहाँ देते हैं, याद आ रहा है, शमशान में देते हैं। कोई मर जाए पहली लकड़ियां सजा देते हैं फिर आग जलाते हैं, शमशान में देते हैं। आप जब अपने घर के अंदर हवन कर रहे हो क्या कर रहे हो, पहले लकड़ियां लगा देते हो फिर नीचे से आग लगाते हो। ये ही हमारी सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। तभी भी ऐसा, वो तो चिताग्नि बन गई जो आप ऐसा। इसलिए देखो रिक्वेस्ट आपसे क्या करना है, आपने सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद फिर संविधाओं को रखा जाता है, तब संविधान रखना, लकड़ियां रखना है। पहले लकड़ियां लगा दी फिर आप नीचे से आग लगा रहे हो, ये तो चिता अग्नि, आप चिता के ऊपर आहुति दे रहे हो, सीधी सी बात ये समझना। दूसरा, आप जब अग्नि को प्रज्वलित करें तो कई लोग पहले कपूर लग देते हैं फिर उसके बाद फिर माचिस से जलाते हैं। आपको पता है कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। कभी भी अग्नि को माचिस की तिली से नहीं जलाना। कैसे जलाना, या तो अरणी मंथन होता था पहले, अब अरणी मंथन तो नहीं हो पाता है, तो दूसरा बोले जो प्रज्वलित दीपक है, साक्षी दीपक, उस साक्षी दीपक से ही वह ज्वाला लेनी चाहिए अग्नि की, और अग्नि कुंड के ऊपर 3 बार घुमाने के बाद फिर योनि मार्ग से रखा जाता है अग्निकुंड के मध्यस्थ में, फिर उसके पर संविधाओं को सजाया जाता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा, जब आप यज्ञ करते हैं ना तो उसके ऊपर आप क्या घी डालते हैं, घी क्यों डालते हैं, घी अग्नि की आचमनी है। जैसे देवताओं को आप जल देते हो वो उनकी आचमन है, मतलब जल, ऐसे जो अग्नि है, अग्नि का जो आचमन क्या है वो घी है। अग्नि देव घी के द्वारा तृप्त होते हैं, इसलिए हव्य और कव्य में प्रत्येक क्षण में घी की आहुति या घी का आचमन जरूर दिया जाता है। इसलिए सुहाग करते समय आप घी डालते हो, लेकिन घी डालना किससे चाहिए, देखिए मैं आपको एक सुरवा दिखा रहा हूँ, इस सुरवा के माध्यम से ही आपने अग्नि में घी डालना चाहिए, घृत डालना चाहिए, ये जिसे सुरवा बोलते हैं। और सुरवा पकड़ने का तरीका भी ऐसे, जैसे आप हवन पकड़ते हो ऐसे सुरवा पकड़ने का तरीका है, ऐसे करके आपने अग्नि में घी डालना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे मेरे पास तो ये होता नहीं है, आप कहाँ से इतना बवाल दे दे रहे हो। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आम का पत्ता है, आम के पत्ते में बांधिए आप एक आम की लकड़ी, उसमें बांध कर आप उसके द्वारा भी घृत डालिए। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मत डालिएगा चम्मच से, जिस चम्मच से खाते हो उसी से घी डाल दो, क्या यार आप भी थोड़ा समझो ना, इसलिए सावधानी यहाँ पर भी रखिए। जब आप हवन प्रारंभ करते हैं ना, सबसे पहले आप खीर बना के तैयार कर लीजिए, जिसे पायस कहते हैं, हव्य के अन्य में पायस माना जाता है। जब आप नवरात्र करते हैं, कोई भी शुभादि कर्म करते हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, सब में खीर की आहुति डालना अति अनिवार्य होती है। इसलिए खीर बनाकर रख लीजिए, नवरात्रों में गृह प्रवेश में कोई भी कर्म हो प्रत्येक कर्म में खीर की आहुति डालना जरूरी होती है। हव्य के अन्य में पायस सर्वोपरि माना जाता है। इसी के साथ साथ जब आप अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं, यह ध्यान रखिए अग्नि बहुत ज्यादा लपटे नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मध्यम नहीं होनी चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बोले मध्यम मध्यम भाव से अग्नि जलती रहे, ऐसी व्यवस्था आपने बना के रखनी है। अब साथ ही साथ जब आप आहुति देने की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखना, कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि पहले किसके नाम की आहुति दें, माता जी के नवरात्रे चल रहे तो पहले माता जी के नाम के दें, गणेश जी की दिन चल रहे हैं, गणेश चतुर्थी चल रही तो गणेश जी के, नहीं नहीं, जिसका दिन चल रहा है उसके लिए नहीं। शास्त्र का एक प्रमाण है, पहले उस प्रमाण को सुनो फिर मैं आपको उसको उत्तर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, गणाधिपति ये देया प्रथमा वराहुति अन्यथा विफलम विप्र भवती है न सूर्य। ये भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि पहली आहुति सदैव गणेश जी के नाम की ही देनी चाहिए। जैसे पूजा में आदो पूज्य विनायक, ऐसे ही आहुति में भी, हवन में भी आहुति देने से पहले जो आहुति पहली दी जाती है वो गणेश जी के ही नाम की दी जाती है, उसके बाद अन्य देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है। अब इसी के साथ जब आप हवन करते हैं और चरु डालते हैं, मतलब साकल्य डालते हैं, जो हवन सामग्री डालते हैं ना, तो वो किस मुद्रा से डालनी चाहिए। देखिए हमारे में 5 प्रकार की मुद्राएं हैं, उन 5 प्रकार की मुद्राओं में से जैसे सूकरी मुद्रा, हंसी मुद्रा, मृगी मुद्रा, जैसे सूकरी मुद्रा ये जो आपकी 5 उंगली है इसके द्वारा आप आहुति डालते हो इसे सूकरी मुद्रा कहते हैं। हंसी मुद्रा आप एक कनिष्ठिका को हटा देते हो और बाकी बची 4 उंगलियों से जो आप द्रव्य डालते हो उसे हंसी मुद्रा कहते हैं। और मृगी मुद्रा मतलब कैसे, ये आपकी अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा, इन 3 उंगलियों को मिलाकर जो आप चरु डालते हो, साकल्य डालते हो, हवन सामग्री डालते हो इसे मृगी मुद्रा। आप ऐसे करेंगे कभी परछाई में तो आपकी हिरण की परछाई आती है तो इसे मृगी मुद्रा कहते हैं, हिरण की तरह मुद्रा। और इसी से ही आपने हमेशा यज्ञ करना है, ये 2 उंगलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पितृ कार्य के लिए और ये तांत्रिक कार्य के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, इसलिए वर्जित होती है। अब देखिए जब आप हवन सामग्री डाल रहे हो, चरु डाल रहे हो, साकल्य डाल रहे हो, तो कई लोग ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो, करना है तो अच्छी तरह से करो, नहीं करना तो नहीं करो। अरे मेरे पति तो करते नहीं, बड़ी मुश्किल से बैठा, तो मत बैठाओ,
अगर काम करना तो अच्छी तरह से करो। क्या आप बेढंग तरीके से भोजन कर लेते हो? नहीं करते हो ना, भोजन भी तरीके से खाते हो। अगर आपने यज्ञ करना है साहब, देवताओं के लिए कर रहे हो, कोई मजाक तो नहीं है, तो देना है तो तरीके से दो, नहीं तो मत दो। और देने का तरीका क्या है? आपने कभी भी ऐसे नहीं डालना, ऐसे स्वाहा, आप कोई क्या कर रहे हो, नहीं सर गलत। आपने डालना कैसे? बोले अधोमुखी की नहीं, ऊर्ध्वमुखी करके। आप खाना कैसे खाते हो? ऐसे। तो ये आपका तालुकात आपके पास आता है, ऐसे आपने देवताओं को देना है, इस तरह से देना है, ऐसे करके नहीं देना साहब, बिल्कुल नहीं देना। और देखो जब आप देवताओं को चरु दो, साकल्य दो, जो आहवन समय डालते हो, कितनी मात्रा में, कई लोग भर भर के डालते हैं, बस अभी खत्म कर देनी है, अभी खत्म कर देनी है। अरे क्यों क्यों गलतियां कर रहे हो? आपको समझाऊं? समझना, जब भी आप डालें तो कैसे डालें? बोले जो आपके पर्व है ना, इन पर्वों को मन में ला लीजिए, ये ग्रास मुद्रा, इतनी ग्रास मुद्रा के माध्यम से डालना। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, पहले उस प्रमाण को सुनो, देखो क्या लिखा है। चरुम ग्रास समम पाणी नैव जुहियात ग्रासार्धम चरुम इत यन्ने। इसका अर्थ है कि जब आप आहुति डालते हो तो बोले ऐसे डालनी चाहिए कि ग्रास मुद्रा, जैसे छोटे से बच्चों को खिलाते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे ही बिल्कुल मात्रा में आपने इन पर्वों के आधार पर इतनी हवन सामग्री पकड़नी है, साकल्य पकड़ना और डालना है। समझ गए? अब देखिए जब कई कभी बार डालते डालते कुछ साकल्य नीचे गिर जाता, चरो नीचे गिरता, उसको कभी आपने उठा के नहीं डालना चाहिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ जब आप डालें तो स्वाहा का उच्चारण जरूर करना चाहिए। स्वाहा क्यों बोलते हैं? मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो जाकर, सब मैंने पहले से बनाकर तैयार कर रखा है आप लोगों के। स्वाहा क्यों बोलते हैं आप जाकर देख सकते हो। तो स्वाहा का उच्चारण जरूर होना चाहिए। और कभी कभार अगर अग्नि बुझ रही हो तो कोई फूक मारते हैं, फूक से कभी अग्नि नहीं जलानी चाहिए, कोई पंखा या कर्पूर आदि से ही अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। जब आप पूर्ण आहुति देते हो तो पूर्ण आहुति देते समय आपके हाथ में चरु दिया जाता है, आप डालते हो तो अग्नि के ऊपर ऐसे हाथ नहीं जाना, इससे लक्ष्मी नष्ट हो जाती, इसलिए अग्नि में चरु डालने के बाद हाथों को अलग से कहीं पर झाड़ लीजिए, धो लीजिए, लेकिन ऐसे अग्नि के ऊपर हाथ नहीं झड़ने चाहिए। अब देखिए कहां गलती कर रहे हैं, उसको सुधार कीजिए। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको बहुत धन्यवाद है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी दी हुई यह जानकारी अच्छी लगी है, अगर दिल से अच्छी लगी है, तब आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, कांटेक्ट में रहना चाहते हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर। इस तरह से आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही भेजें, वहां जल्दी मैं उत्तर देता हूं। इस तरह से आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंतानंत कोटि वंदन प्रणाम, सदा खुश रहिएगा।